हेलो गाइज। ओके तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 55। ओके लेक्चर नंबर 55 में पेज नंबर 18 है। आपका एग्जांपल है 1.1 और 1.2। एक बार 1.1 समझ लेते हैं फिर 1.2 हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। एक यौगिक दो तत्वों एक्स और वाई से निर्मित है, यानी कोई कंपाउंड है जो दो तत्वों एक्स और वाई से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, एक्स एंड वाई। अब कह रहा है वाई तत्व के परमाणु, यानी वाई क्या है, ऋणायन है आपका, यानी एनायन है। और पैकिंग कौन बनाता है, एनायन ही बनाता है जैसा कि हम जानते भी हैं। से सीसीपी बनाता है, यानी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है ये। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम जानते हैं इसका जो रैंक होता है यानी एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 4 होता है ना। अब यहाँ पे और एक्स तत्व दूसरा कह रहा है कि एक्स तत्व के परमाणु केटायन यानी आपका धनायन बनाता है। तो हम जानते हैं कि एक्स और वाई जो है एक्स केटायन है और ये वाई एनायन है, तो पैकिंग एनायन बनाता है। और साइज में देखा जाए तो केटायन का जो साइज होता है वो एनायन से कम होता है, ठीक है, तो इसीलिए तो ये पैकिंग बनाता है एनायन। अब सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में कह रहा है सभी अष्टफलकीय रिक्तियों यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड निकालना है हमको, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वाइड में फिल हुए हैं, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है उसमें इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भरे हुए हैं। यौगिक का फार्मूला क्या होगा ये बताना है हमको, यानी अब कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाई टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई एज एनायंस मेक सीसीपी एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स एज केटायन ऑक्युपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइस, व्हाट इज द फार्मूला। फार्मूला कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम लोग हल कर रहे थे इसका ये सीसीपी बना रहा है, तो सीसीपी बनाएगा तो यहाँ पे एटम पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और जब 4 होता है किसी भी, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि रैंक जो होता है, यदि मान लीजिए रैंक एन है किसी भी क्रिस्टल का, तो उसमें जो आपका टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, 2n हो जाती है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने हो जाएंगे, n ही होता है, ठीक है। ये फार्मूला इसमें हम लगा करके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। यानी अब यहाँ पे यदि z बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे x CCP है तो CCP का मतलब 4 है, तो दो तत्व हैं x और y, ठीक है। अब इन दो तत्वों में क्या कह रहा है कि x कह रहा है कि CCP बनाता और x तत्व के परमाणु, जो x तत्व का ये परमाणु है वो क्या कह रहा है, अष्टफलकीय रिक्तियों से भरे हुए हैं, तो अष्टफलकीय रिक्ति कितने हो जाएंगे, ये जेड कितना है, 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 हो जाएंगे तो x टू द पावर 4 लिख दे रहे हैं, और y चूंकि केटायन है तो हम जानते हैं सीसीपी बना रहा है यानी 4 ही होगा, क्योंकि इसका जो टेट्राहेड्रल, आपका टेट्राहेड्रल तो पूछ नहीं रहा है, ऑक्टाहेड्रल पूछ रहा है, तो एक्स 4 और वाई 4 हो जाएगा, इसमें 4 से डिवाइड करा दीजिए तो ये आ जाएगा एक्स वाई, यानी इनका जो रेशियो होगा फार्मूला का 1:1 आएगा, 1:1 का। तो इस तरह से ये आपका एग्जांपल 1.1 होता है, ये एक एक नंबर में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, एन है यानी यदि किसी भी क्रिस्टल का जो रैंक होता है वो यदि आपको पता है तो उससे आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल लेंगे, सेम ही होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड इसका 2 गुना हो जाएगा यानी 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 1.1 हो गया। दूसरा भी ऐसे ही कह रहा है तत्व बी के परमाणुओं से HCP यानी क्रिस्टल कैसा है, HCP क्रिस्टल है, HCP means hexagonal cubic closed packing है, जो हम लोग hexagonal निकाले थे उसी क्रिस्टल के बारे में कह रहा है। और तत्व ए के परमाणु कह रहा है कि ए का जो परमाणु है वो 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरता है, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना है, 2/3 है,
ए और बी तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का फार्मूला क्या है? ये कह रहा है एटम ऑफ एलिमेंट बी फ्रॉम एच सी पी लैटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ऑक्यूपाई टू थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ए एंड बी। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, ए और बी का फार्मूला निकालना है। तो चूंकि ए और बी सिंपल लिख लेते हैं, इसमें भी आपका जेड कितना हो जाएगा, जेड एच सी पी है क्रिस्टल, तो जेड कितना होगा, चार ही होगा। और आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, ये आपका चार ही होगा, और टेट्राहेड्रल इसका दोगुना हो जाएगा, यानी चार दुना आठ हो जाएगा। ठीक है, अब इनका फार्मूला निकाल लीजिए। फार्मूला एच सी पी है, ए और बी है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, तत्व तो ए के परमाणु टू थर्ड चतुष्फलकीय रिक्तियों को फिलअप कर रहा है, यानी ए जो है टू थर्ड किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आठ है ना, यानी दो बटे तीन गुणे आठ हो जाएगा। ठीक है, और बी आपका कितना होगा, बी तत्वों द्वारा, तो बी तो सेम ही होगा जो क्रिस्टल बन रहा है, यानी बी का मान चार होगा। ठीक है, यानी इसके आगे हल करेंगे आप, देखिएगा यहाँ पे ये ए, ये कितना हो जाएगा, आठ गुना सोलह बटे तीन, और बी पर चार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पे एटम फ्रैक्शन में तो होते नहीं है, ये इंटीजर्स में आएंगे, तो इंटीजर्स यानी धन पूर्णांक में आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीन से मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों में। तो तीन से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर हल कर रहा हूं देख लीजिएगा, चाहे इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां से तीन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सोलह बटे तीन गुणे तीन, और ये बी आ जाएगा चार गुणे तीन, दोनों में कराएंगे तो ये आ जाएगा ए, और ये तीन से तीन कट जाएगा, ए सोलह और ये बी चाहते हैं बारह। अब ये दोनों किससे कटेंगे, दो से कट जाएंगे, तो दो से भाग करा दीजिए तो ये आठ आ जाएगा और ये आ जाएगा छह। फिर से ये कट जाएंगे दो से, तो दो से फिर से डिवाइड करा दीजिए, यानी चार आ जाएगा और ये बी तीन। यानी इस यौगिक का फार्मूला क्या होगा, ए फोर बी थ्री आएगा। ठीक है, तो एक एक नंबर के आते हैं, हो सकता हो ये वाला क्वेश्चन आपको दो नंबर में दे दे, तो इस तरीके से आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, यानी एग्जांपल आपका 1.1 और 1.2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब एक आपका और बचा है, एग्जांपल नंबर 1.3, उसको हल कर लेते हैं। ठीक है।